विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो वहीं प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज होता जा रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच सुबह से लेकर रात तक अंत तक जनता के बीच देखे जा रहे हैं और वोट के लिए आग्रह करते नजर आ रहे हैं। गंधवानी विधानसभा से सरदार मेड़ा भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने जनता को कई सुविधाएं मुहैया करवाई और क्षेत्र में करोड़ों के कार्य करवाए हैं, लेकिन गंधवानी विधानसभा में आज भी बिजली पानी की समस्या जस की तस बनी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता का मुझे अपार समर्थन भी मिल रहा है। इस आधार पर मेरी जीत निश्चित लग रही है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा, ये जनता ही तय करेगी कि किस उम्मीदवार को चुनना है और किसको नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के मुद्दे लेके हम नीचे उतरे और हम इस बार विधानसभा को जीत के हमारी भारतीय जनता पार्टी झोले में डालेंगे। ये हमारी नहीं, ये कार्यकर्ता के बल पे जीतेंगे हम। और कार्यकर्ता आप देख रहे हो, जनसेला उमड़ा हुआ है, ये कार्यकर्ता जन समर्थन मिल रहा है हमें। इसी बल के साथ हम विधानसभा को जीतेंगे। इस बार सरकार बनेगी, ये हमारा दावा है। जीत के लिए हमारे पूरी तरह 100% जीतेंगे। जनसेला जो मिल रहा है, इसका क्या राज है? इसका राज के लिए विकास है। हमारी सरकार ने विकास किया, विकास किया तो ये हमारे साथ है। विकास क्या है, विकास क्या वाले चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस मुद्दे के साथ हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी।